हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल को बिना अपनी ओरिजिनल जीमेल से लॉगिंग किए उस पर वीडियोस कैसे डाल सकते हैं। आप उसके चैनल के व्यूज, रिवेन्यू, एनालिटिक्स, वो सारी चीजें आप अपनी दूसरी जीमेल से देख सकते हैं। तो गाइज, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक फेक ईमेल की जरूरत होगी जो कि आप किसी भी नंबर से बना लेना। एंड मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल जीमेल खोलता हूँ और मैं यहाँ पर कस्टमाइज चैनल में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, उसके बाद नीचे परमिशंस पे जाता हूँ। यहाँ पर ये एक इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। इस पे आपको वाली आईडी डालनी है जिससे आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी है। यहाँ पर मैंने वाली आईडी डाल दी। अगर मैं इस व्यूअर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इस फेक जीमेल से सिर्फ ओरिजिनल जीमेल का डेटा देख सकते हैं और छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर अगर मैं इस एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो भाई आप इस फेक जीमेल से SEO भी कर पाओगे, वीडियो अपलोड भी कर पाओगे और स्टैट्स भी देख पाओगे, बट आप अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं कर पाओगे। और अगर तुम इस लिमिटेड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो भाई आप सेम एडिटर की परमिशंस की तरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसका रिवेन्यू नहीं देख सकते। बस मैनेजर ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप ये सब कुछ कर सकते हो, SEO भी, स्टैट्स भी देख सकते हैं, वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं और वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम मैनेजर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये फेक जीमेल हटानी है तो सिंपल रिमूव एक्सेस पे क्लिक कर देना, है ना मस्त। तो अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें मनी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो तुम इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।